वाह क्या सेक्सी पाथ है यार, पूरा दो पहाड़ के बीच से। जैसा कि आप देख सकते हैं, आप थोड़ा मजाक सीरियस हो गया है, बहुत नीचे यार, बहुत नीचे है। What's up guys? So today is day 3 of our trip. आज हम जा रहे हैं शिलोंग से चेरापूंजी, which is around 60 kilometers. It will take around 1.5 to 2 hours, depending on the speed. तो हम लोग हमारे होम स्टे से 9:30 बजे निकले, आज थोड़ा लेट हो गया निकलते निकलते, बिकॉज कल रात बहुत टायर्ड थे। कल हम लोग डॉकी गए थे तो रिटर्न होते होते ऑलमोस्ट 9:30 PM हो गया था। तो इफ़ यू हैवन्ट सीन आवर प्रीवियस एपिसोड्स, डे 1 में हम जाते हैं फ्रॉम गुवाहाटी टू शिलोंग, डे 2 में शिलोंग टू डॉकी लेक और एशियस क्लीनेस्ट विलेज, और आज हम जा रहे हैं डे 3 में शिलोंग से चेरापूंजी। चेरापूंजी में हम लोग वेरियस व्यू पॉइंट्स और वाटरफॉल्स देखने जाएंगे, लाइक सेवन सिस्टर फॉल्स, वाइसोडोंग फॉल्स एट्सेट्रा। कल तो जहां हम लोग गए थे डॉकी लेक या रिवर, वहां पे तो काफ़ी गर्मी था, मतलब लाइक शिलोंग में अगर 18 डिग्रीज था तो वहां पे अराउंड 35 डिग्रीज था ड्यूरिंग पीक ऑफ द डे, तो हालत ख़राब हो गई थी। तो बट टुडे चेरापूंजी आई एक्सपेक्ट कि ठंडा रहेगा बिकॉज इट्स इन द अपवर्ड एरिया। वन मोर थिंग आई हैव नोटिस ना, शिलोंग से मतलब निकलने में बहुत मतलब मेहनत करना पड़ता है, बिकॉज यहाँ पे बहुत वन वे रूट्स है यार, एंड द रोड्स आर वेरी कन्फ्यूजिंग। तो मतलब गूगल मैप से भी मतलब दिक्कत हो जाती है कभी कभी कि कौन सा रोड पकड़ना होता है। तो हम लोग ने 10 मिनट पहले गोल चक्कर लगाते रहे कि हाउ टू गो टू चेरापूंजी, बट फिर एक अंकल से पूछा तो उन्होंने बताया कि यहाँ से लो। तो गूगल इज़ नॉट रिलायबल इन वेरी डेंसली, मतलब जहाँ पे बहुत सारे रोड्स है एक साथ, वहाँ गूगल मैप सब रिलाई नहीं कर सकते। तो बेसिकली ये ट्रिप में मैंने एक गलती क्या किया कि मैं उतना गर्म कपड़ा लाया नहीं, मतलब मुझे एक पफर जैकेट लाना चाहिए था, बट सिंस मैं फ़्लाइट से आया इंस्टेड ऑफ स्कूटर टिल गुवाहाटी, तो ज़्यादा बैग में पैक नहीं कर पाया, तो एक छोटा वही छोटा बैकपैक में ही सब सामान लिया। तो आई थॉट उतना ठंडा नहीं होगा बिकॉज सिंस इट्स द एंड ऑफ मार्च, बट अभी कल जैसे पता चला कि कल जब हम लोग रात को लौट रहे थे तो काफ़ी ठंडा था, मतलब पूरा बॉडी कपा दिया था, इट वाज वेरी कोल्ड। और पता नहीं क्यों आज संडे है इसकी वजह से, बट आज थोड़ा इस एरिया में ज़्यादा ट्रैफिक है। वैसे कल हम लोग यही रोड से गए थे, बट कल हम लोग अराउंड 8 AM में गए थे, अभी 10 बज रहा है, तो पता नहीं ये रोड हमेशा ही कंजेस्टेड रहता है कि आज संडे है बोल के कंजेस्टेड है या पता नहीं, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। और थोड़ा जैसे कि आप देख सकते हैं ट्रैफिक ज़्यादा है, एंड सिंस इट्स अ सिंगल लेन रोड तो ओवरटेक करने में थोड़ी दिक्कत होती है। चेरापूंजी यहाँ से और अराउंड कितना 35 किलोमीटर्स दूर है, 30 to 35 किलोमीटर्स, हम लोग होपफुली 1 घंटे के अंदर पहुँच जाना चाहिए। तो ये पता नहीं कौन सा ब्रिज है, बड़ा अच्छा ब्रिज है ये, कोई व्यू पॉइंट टाइप लग रहा है। हाँ तो ये है दुआन सिंह CM व्यू पॉइंट, यहाँ से वैली का काफ़ी मस्त व्यू दिखता है, देखिए दूर दूर तक बस पहाड़ ही पहाड़। और अभी हम लोग हमारे पहले साइट पे जा रहे हैं, वो है वाइसोडोंग फॉल्स, यहाँ से और 23 किलोमीटर्स की दूरी पे है। टाइम हो रहा है 10:50 AM, वी आर बिहाइंड स्केड्यूल एज यूजुअल, थोड़ा भगाना होगा। और देखिए क्या मस्त वैली है, एकदम दूर दूर तक दिखाई दे रहा है, थोड़ा फॉगी है हल्का, उसीलिए क्लियरली माउंटेन्स दिख नहीं रहा है, बट ठीक है, अपने को तो बस भगाना है।
तो अभी हमने मेन रोड से एक राइट की तरफ लेन में ले लिया है। बेसिकली दो रूट्स है वाई सडंग जाने के लिए, एक है 50 मिनट्स, एक है 1 आवर 10 मिनट्स। तो हमने शॉर्टर रूट लिया है, बट ये रूट में बेसिकली कोई साइन बोर्ड्स नहीं है, एक ड्राइवर बोल रहा था, बट इट्स मच फास्टर एंड शॉर्टर, तो हमने ये रूट पिक किया है। हट जाओ मेरे रास्ते से, हट जाओ। तो अभी हम वाई सडंग फॉल से और 7-8 किलोमीटर ही दूर है। क्या मस्त सीनरी है देखिए, दोनों तरफ वहाँ पे है हिल्स, यहाँ पे है भी हिल्स, यहाँ पे भी हिल्स है, यहाँ पे पतली सड़क है, हम पतली सड़क पे जा रहे हैं। टाइम इज एग्जैक्टली 12 PM, बहुत देर हो गया है बिकॉज हमने बीच में बहुत सारी जगहों पे रुके फॉर फोटोशूट, इसलिए देरी हो गया। बड़ा मैं बोला अभी और रुकना ही नहीं है, डायरेक्ट उधर जाके रुकना है, वहाँ जितना फ़ोटो खींचना है खींच लो भेज लो, बट अभी और नहीं रुकना है। और अब बाप रे, ब्रेक मार मार के हाथ दर्द हो गया। मैं आज ग्लव नहीं पहना उसलिए बिकॉज कल डॉकी से आते वक्त इतना हाथ दर्द हो गया, ब्रेक मार मार के। अभी कहाँ जाना है, राइट या सीधा? सीधा ही जाना है गेस। वेदर एकदम परफेक्ट है अभी, नाइदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड। शाम को थोड़ा टेम्परेचर गिर जाएगा, बट अभी दोपहर के टाइम एकदम परफेक्ट वेदर है, बढ़िया लग रहा है चला के। और लग रहा है कि मैं कोई डेजर्ट के बीच से चला रहा, मतलब द रॉक्स आर लाइक यू नो डेजर्ट रॉक्स, लग रहा है मोहावी डेजर्ट के बीच से जा रहा हूँ, सब जगह बड़े बड़े पत्थर ऐसा। तो वाई सडंग फॉल यहाँ से और 3.5 किलोमीटर्स की दूरी में है, एंड ऑन द वे देर आर अ लॉट ऑफ अदर फॉल्स, स्मॉलर फॉल्स लाइक पुरुत फॉल्स था एक, तो दो दिन का याम नाम याद नहीं आ रहा है, बट हट जाओ गाय, हट जाओ गाय, मूव। हाँ, तो ऑन द वे 3-4 वाटरफॉल्स है छोटे छोटे। अरे बाप रे, यहाँ तो गाय का रैली हो रहा है। हट जाओ, हट जाओ। वो देखिए वहाँ पे आई थिंक आपको फॉल्स दिख रहा होगा, वही होगा वाई सडंग फॉल्स, काफ़ी मस्त लग रहा है यहाँ से। लेट्स सी आगे जाके, वाओ क्या सेक्सी पाथ है यार, पूरा दो पहाड़ के बीच से, इट्स लाइक ड्राइविंग इन द ग्रैंड कैनियन। बहुत ही नैरो नैरो रोड्स है ये सब जगहों पे, तो देख के चलाना पड़ेगा। बाप रे, पार्किंग यहीं से शुरू हो गई, और बाप रे यहीं से पार्किंग शुरू, मतलब तो लगता है बहुत भीड़ होने वाली है आगे जाके। हाँ यस, लग तो रहा है। चलो हम लोग 12:15 में पहुँच गए, और अभी गाड़ी कहीं पे पार्किंग करना होगा। तो अभी हम लोग नीचे वाई सडंग फॉल में जा रहे हैं, और अभी मेरा पैर दुखने वाला है बहुत। बाप रे राहुल तो पहुंच। हाँ एक तो जितना जा रहा है उतना अपने को ऊपर भी आना है। हाँ वही पता है मुझे, ज्यादा दूर मत जाना। सो अभी हम वाई सडंग फॉल्स के जंगलों के गहराइयों में जा रहे हैं, पता नहीं कितना नीचे जाना होगा, वापस ऊपर भी आना है, मैं भूल ही गया हूँ। गौतम सही है तो? बाप रे नीचे उतर रहे हैं, नीचे उतरना इजी है, ऊपर आने तो हार्ड है। यहाँ मैं लिफ्ट लगवाऊंगा, अभी टेंशन मत लीजिए आप, मैं प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखूंगा टू लिफ्ट लिफ्ट लगाने के लिए। हम पहला गाली देंगे। हाँ बोलेंगे साला लिफ्ट लगाएगा, साला फेक वीडियो साला डॉट कॉम। The stairs are very क्या बोलते हैं, थिन, नैरो। हाँ नैरो, बंदर को देखिए आप। बाप रे लग रहा है पूरा जंगल के बीचों बीच वॉक कर रहे हैं। वेरी गुड सीनिक प्लेस, लेकिन बोलना होगा जो फॉरेस्ट कैनोपी है सनलाइट को ब्लॉक कर रहे, तो एक अच्छा है कि एटलीस्ट गर्मी नहीं लग रहा है, वरना अभी दोपहर के 12:30 बज रहे तो गर्मी भी काफ़ी बढ़ चुकी है। बाप रे ये तो काफ़ी नीचे है यार। बस ठीक है, अभी हम कहाँ जाएंगे, व्यू पॉइंट और लेफ्ट या राइट? वाई सडंग फॉल्स राइट में है तो वाई राइट में ही जाएंगे, पहले फॉल्स जाएंगे ना, पहले फॉल्स जाएंगे। अरे बाप रे, अरे बाप रे, ये मेरा आखिरी ब्लॉग भी हो सकता है। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, शो योर सपोर्ट।
ये मैं आप लोग के लिए कर रहा हूँ, इतना डेयरिंग बाजी। दर्शक जनों, जैसा कि आप देख सकते हैं, आप थोड़ा मजाक सीरियस हो गया है। मजाक वहाँ तक ही मजाक था, बट अभी सीरियस हो रहा है। अरे ओ माय गॉड, बहुत नीचे यार, बहुत नीचे है। बाप रे, तब से उतरे जा रहा हूँ। ओ माय गॉड, यहाँ टूटा बैठेगा देख के यार। ओह अरे बाप रे, इतना मेहनत मैंने लाइफ में नहीं किया था। फाइनली हम आ पहुँचे हैं वाई सडंग फॉल। ओह थोड़ा अभी भी बाकी है, अभी थोड़ा हार्ट अटैक बाकी है। कैस्टो पार्कोर 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 तो ये मेरा हाथ में दे दिया आप गाइस कैमरा। तो फाइनली गाइस हम लोग वाई सडंग फॉल में आ चुके हैं। बाप रे, 10 मिनट का ट्रैकिंग के बाद, और देखिए मस्त सीनरी है। और अभी हम लोग वाटरफॉल्स के पास से, जैसे आप देख सकते हैं, लोग यहाँ पे नहा रहे हैं, कूद रहे हैं, फान रहे हैं। ये 3-stage वाटरफॉल है, 1, 2 और 3 है। और यहाँ साइड से भी जा सकते हैं टूवर्ड्स अपवर्ड साइड। तो यही है वाई सडंग फॉल्स, काफ़ी अच्छी जगह है। तो अभी समय हो रहा है 2:05, हमने वाई सडंग फॉल्स देख लिया है। और अभी हम लोग जा रहे हैं नोकलिकाई फॉल्स, विच इज़ 14 किलोमीटर्स फ्रॉम वाई सडंग फॉल। वाई सडंग फॉल काफ़ी मस्त था, बट एक वर्ड ऑफ कॉशन कि फॉल्स काफ़ी नीचे है फ्रॉम द मेन रोड, तो उतरते वक्त बहुत ही ध्यान दे के उतरना होगा, बिकॉज 50% ऑफ द स्टेप्स आर मेड ऑफ स्टोन्स, बट 50% आर जस्ट मेक शिफ्ट बैम्बू वाले लैडर, तो देख के उतरना है। और अराउंड 5 किलोमीटर्स बचा है टू नोकलिकाई फॉल्स। और वाई सडंग से नोकलिकाई तक का रास्ता बहुत ही ख़राब है, आप देख ही सकते हैं, ये ऑलमोस्ट एंटायर रोड ही ऐसा है, तो इससे थोड़ा हम लोग का स्पीड रिड्यूस हो जा रहा है। बाप रे, उफ, टाइम अभी हो रहा है 2:20 PM। वहाँ पे फॉल देखने के बाद शायद लंच कर लेना पड़ेगा, बिकॉज सुबह से उतना कुछ खाया नहीं है, तो जल्दी जल्दी पहुँचना है। कल तो हम लोग का निकलते निकलते ऑलमोस्ट 5:30 हो गया, और मुझे लग रहा है कि आज भी कल की तरह ही हम लोग को लेट ही होटल वापस जाना होगा, बिकॉज टाइम थोड़ा वेस्ट हो जाता है साइट सीइंग करने में, तो दैट्स द केस। सो जितना जल्दी हो सके इस ख़राब रास्ते में भी मैं टालने का कोशिश कर रहा हूँ, ताकि टाइम बचा पाओ थोड़ा बहुत। तो अभी हम बैड रोड छोड़ के फाइनली अच्छे सड़कों पे आ चुके हैं, और नोकलिका फॉल्स यहाँ से और कुछ ही दूरी में है। नोकलिका फॉल्स राइट की लेफ्ट था ये, तो ये की है। और अभी मेन रोड से हम फिर से एक छोटा सा डिटोर ले लिए हैं टुवर्ड्स राइट। अरे बाप रे, ये तो अब बहुत ही ऊंचा है, क्या सही कर रहे हैं हम लोग ऊपर जाके? तो अभी हम एक छोटे से गांव के बीचों बीच जा रहे हैं। ये थोड़ा फॉर लाइट एंड मीडियम व्हीकल्स के लिए ये वाला रूट है, विच इज़ अ बिट शॉर्टर आई गेस देन फ्रॉम द मेन रोड। ये है नोकलिकाई विलेज, हम लोग नोकलिकाई विलेज है, और फॉल्स इज 4.8 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर एग्जैक्टली, तो 15 से 20 मिनट में पहुंच जाएंगे। और यहां से देखिए क्या व्यू है, फुल रोड दिख रहा है एकदम। तो फाइनली हम नोकलिका फॉल्स के गेट पे आ चुके हैं। एडल्ट इज 50 पर हेड, चिल्ड्रन इज 20 पर हेड, एंड वीडियो शूट इज 3000 पर आवर। क्या बकचोदी हो रही है भाई, पर डे 3000 पर डे, व्हाट द फक, नो वीडियो शूटिंग फॉर मी, मतलब फोटोशूट है लेकिन वीडियो शूट नहीं, क्या बकचोदी है ये? मजाक है लेकिन, ये मजाक है, गंदी बात है, गंदी बात है, ये बिल्कुल सही बात नहीं है। चलिए देखते हैं हम लोग गोप्रो से शूट कर पाते हैं कि नहीं।
तो हम कैंपस के अंदर घुस गए हैं। यहाँ से आई गेस व्यू पॉइंट्स है, यहाँ पे पार्किंग करना पड़ता है आगे, वहाँ पे कुछ रिफ्रेशमेंट स्टॉल्स भी है और व्यू पॉइंट आई थिंक आगे जाके होगा। गाइस हमने नोकालिकाई फॉल्स देख लिया है और यहाँ पे हमने लंच कर लिया है तथा द टाइम इज 4 PM और अभी हम जा रहे हैं सेवन सिस्टर्स फॉल देखने, विच इज 11 किलोमीटर्स फ्रॉम नोकालिकाई फॉल्स। और एज यूजुअल हमारा अगेन आज भी लेट हो गया है, तो लगता है आज भी हमारा होटल पहुँचते पहुँचते 7-7:30 बज ही जाएगा, बट क्या करे, इतना पलटन लेके आए तो लेट तो होगा ही। 1 hour later। सो गाइस हमारे साथ एक ट्रेजेडी हो गया है। एक्चुअली बहुत सारे सेवन सिस्टर्स व्यू पॉइंट है, आप गूगल हम लोग को ये बंजर एरिया में ला के बोला ना कि ये भी वन ऑफ सेवन सिस्टर व्यू पॉइंट है, बट जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ कुछ सेवन सिस्टर कुछ वाटरफॉल दिख नहीं रहा है। तो एक बंदे से पूछने के बाद उसने बोला कि 20 किलोमीटर्स हम लोग पीछे छोड़ के आए हैं। तो अनफॉर्चुनेटली हम लोग आपको सेवन सिस्टर वाटरफॉल दिखा नहीं पाए, कोई बात नहीं, दो वाटरफॉल से काम चला लीजिएगा, तो और क्या ही कर सकते हैं, ट्रेजेडी हो गया। मतलब मेरे किस्मत में सेवन सिस्टर व्यू पॉइंट देखना लिखा ही नहीं था, मतलब इतना कठिन मशक्कत करने के बाद ऑलमोस्ट 1 hour 10 minutes ढूंढने के बाद भी नहीं मिला, सैड। तो एनीवेज दिस वॉज द एंड ऑफ day 3। कल मिलते हैं अगेन ऑन अ न्यू एडवेंचर। चेक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन फॉर ऑल द एपिसोड्स। टिल देन टाटा।